तो 10 जिलों की 57 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और छठे दौर का यह मतदान अब कुछ ही वक्त का बचा है। ईवीएम में कैद हो रही है 676 उम्मीदवारों की किस्मत। कौन मारेगा बाजी और आखिरकार कौन पड़ेगा किस पर भारी? आखिरी चरण की ओर जाता चुनाव संकेत और संदेश क्या कुछ दे रहा है? लगातार सुबह से नॉनस्टॉप न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सीधा ग्राउंड जीरो रुक करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बड़ी खबर जो इस वक्त 3 बजे की वोटिंग प्रतिशत है वो आपके सामने। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में लगभग 52% वोट पड़ चुका है। सिद्धार्थ नगर में लगभग 45%, बलरामपुर का जिक्र करें तो लगभग 42%, साथ ही साथ बस्ती का जिक्र करें तो लगभग 50%, संत कबीर नगर में लगभग 45%, महाराजगंज में लगभग 48%, गोरखपुर में भी लगभग 48% और कुशीनगर में भी लगभग 48% के आसपास वोटिंग हुई। देवरिया में आप देख रहे हैं लगभग 40%, बलिया में लगभग 47% के आसपास वोट पड़े हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 3 बजे तक के आंकड़े संकेत और संदेश क्या दे रहे हैं आप उस पर भी जिक्र करेंगे। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से इस वक्त आपको मिलवा दें, हमारे साथ हमारे सहयोगी हेमंत जुड़े हुए हैं जो कि पूर्वांचल का जिम्मा अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हेमंत आपके पास रुख करना चाहूँगा। हेमंत जी, क्या मिजाज दिखाई दे रहा है, सियासी मिजाज इस वक्त जो वोटिंग प्रतिशत है, क्या वो कोई संकेत और संदेश दे रहे हैं? क्योंकि अभी ये 3 बजे तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं, यानी कि अभी पिक्चर बाकी है, 3 घंटे के आंकड़े आना बाकी है 6 बजे तक के। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या कुछ देखने को मिला चुनावी रंग। विधानसभा के पोलिंग बूथ पर है और चुनावी रंग अपने साथ चलकर बोल रहा है और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बूथ जो वोटर है वो बहुत कम दिख रहे हैं, इक्का दुक्का वोटर ही इस बूथ पर आ रहे हैं। मेरे पीछे तिरंगे देख पा रहे होंगे कि बूथ पे जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, सारी पार्टियों के एजेंट भी है और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी चीज है परसेंटेज में जो कमी देखने को मिल रही है। उससे शायद राजनीतिक पार्टियां जो है पिछले चुनाव में अगर बात करें हम तो जो जो परसेंटेज हुआ करता था वोटों का वो काफी अधिक हुआ करता था, 55-60 के और 63-64% तक चला जाता था, लेकिन अब की अभी तक जो है 45% तक हुआ है। और इस बूथ पे जिस बूथ पे हम खड़े हैं बरगटा विधानसभा की बूथ है और यहाँ पे तकरीबन 50% जो है अभी तक मतदान हो पाया है। तो कुल मिला जुला के ये कह सकते हैं कि मतदाताओं में उस तरह का जोश और उत्साह देखने को नहीं मिला है जिस तरह के पिछले चुनावों में देखने को मिल रहा था और इसके परिणाम जो है तिलक जी कह सकते हैं हम कुल मिला जुला के प्रत्याशित परिणाम इसको इस चुनाव के देखने को मिल सकते हैं। और वोटर जो है वोटरों में कोई उत्साह जो है सुबह से हम बूथों पे देख रहे हैं तो उत्साह देखने को नहीं मिल रहा तिलक जी। मैं तो अगर हेमंत जी हो सकता है, हेमंत जी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर और आप लगातार तमाम खबरों को कवर भी कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा था संत कबीर नगर के बारे में, कहां कहां फाइट देखने को मिल रही है और कहां कहां जो है ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम दिखाई दे रहा है, कुछ आंकड़ा आ पाया आपके पास? जी तिलक जी बता दें आपको कि संत कबीर नगर में जो शहरी इलाके हैं वहां तो वोटिंग प्रतिशत भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो देहात साइड के वोटर है उनका रुझान जो है कुछ इंटरेस्ट जो है कम देखने को मिला है। बूथों पर हमको शहरों में जो है लाइन कतारें अच्छी मिली है देखने को, लेकिन देहात साइड में जब हम लोग निकले हैं तो यहाँ पर सुबह से ही मतदाताओं की कमी देखने को मिली है बूथों पर, ये स्थितियां देखने को मिल रही है तिलक। लेकिन हेमंत जी अगर मैं संत कबीर नगर का जिक्र करूं, कहाँ कहाँ किसके बीच में दिलचस्प मुकाबला दिखाई दे रहा है, कुछ गर्मी है कि खत्म हो गई सब गर्मी? तीन
तीन विधानसभाएं है संत कबीर नगर में, दंडका और खलीराबाद और जो है मेहतावल। तो अगर हम मेहतावल की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और जिस तरह की वोटिंग चल रही है। वही अगर बात करें खलीराबाद विधानसभा की तो वहां पर खलीराबाद विधानसभा में जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का त्रिकोणीय मामला है, लेकिन वहां पर अगर आम आदमी पार्टी की अगर खलीराबाद विधानसभा पर बात करें तो वो भी अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। और अगर दरगटा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पिछले जो मंत्री थे श्री राम चौहान जी उद्यान मंत्री थे, वो यहीं से लड़े थे, लेकिन अब की बार जो है उनकी उन्होंने खजनी से गोरखपुर की खजनी विधानसभा से लड़ने का फैसला किया है और ये सीट उन्होंने छोड़ दी है। और यहाँ पे गणेश चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो चेहरा बदल गया है, पार्टी वही है चेहरा लेकिन बदला हुआ है जी। तो कुल मिला जुला की जो लड़ाई नजर आ रही है वो सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आ रही है जी। मैं संतोष जी के पास जाऊं कुशीनगर में, संतोष मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। संतोष जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संतोष जी जी सुन रहे हैं सर जी। कुशीनगर में मैं वोट प्रतिशत देख रहा था संतोष जी, लगभग 49% के आसपास दोपहर 3 बजे तक का वोट प्रतिशत है, यानी कि कुशीनगर में जनता वोट डाल रही है। अगर इसी हिसाब से वोट प्रतिशत हुआ तो लगभग 65-70% के आसपास जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कुशीनगर में क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास और किन किन धुरंधरों के बीच में मुकाबला चल रहा है कुशीनगर से संतोष। कुशीनगर जनपद की बात कह सर, तो कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है जिसमें पडरौना विधानसभा से कुंवर आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद अपने प्रत्याशी जो कांग्रेस से टिकट पाए थे मनीष जायसवाल जी, उन्होंने टिकट वापस कर दिया और कुंवर आरपीएन सिंह ने इनको भाजपा में टिकट दिलवाया और कुंवर आरपीएन सिंह ही लड़वा रहे हैं जो कि इनका पलड़ा यहाँ भारी है। दूसरे में यहाँ पर विक्रमा यादव जी सपा से, यहाँ जो लड़ाई है सपा और भाजपा से है। दूसरा यहाँ सबसे वीआईपी सीट है फाजिल नगर जो पडरौना विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री रहे भाजपा से, इस समय भाजपा का दामन छोड़कर सपा के दामन थाम लिए हैं और वो फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरा जो यहाँ का सीट है वीआईपी सीट है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी का, तो कमकुई से इस समय लड़ रहे हैं। यानी तीनों सीटों पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं संतोष जी। जी जी संतोष एक बात और जानना चाहेंगे आपसे, अगर मैं गलत हूंगा तो आप इसको दुरुस्त भी कर दीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य और पडरौना सीट, क्योंकि ये पुराना इनका रहा है गढ़, इस बार क्या कुछ समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर? तो यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर 2009 में उपचुनाव लड़े थे और बसपा का पूरे जनपद में कोई बसपा का खाता नहीं था, बसपा का खाता इन्होंने खोला था जो कि 1996 से लेकर 2009 तक जी 2009 तक यहाँ आरपीएन सिंह जी विधायक रहे और 2009 में ये केंद्रीय मंत्री बने संसदीय चुनाव जीतकर। इसके बाद मौर्या जी यहाँ पर आए, मौर्या जी ने बसपा से पूरे जनपद में 7 विधानसभा है जबकि एक भी खाता आज तक नहीं खुला, मौर्या जी ने यहाँ से खाता खोलकर बसपा का श्री गणेश किया था। तो इस संतोष जी यानी आप ये कह रहे हैं कि कई दिलचस्प मुकाबले और अजय कुमार लल्लू की क्या स्थिति है लल्लू जी की? लल्लू जी की स्थिति ठीक लग रही है बताया जा रहा है वहां पर जैसा की है, वहां जो लड़ाई है भाजपा की है लेकिन भाजपा वहाँ बाहरी कैंडिडेट है उसको लेकर थोड़ा बहुत वहाँ पे जो लोग में असमंजस है बाहरी हटाने की जो बात चल रही है। ये बात भी सामने आ रही थी ना लल्लू जी चुनाव लड़े या लड़वाए अपने ही घर में इस वक्त जो है वो उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ असर दिखाई दिया जी या फिर वो एक अब एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं अजय कुमार वो जानना चाहते हैं? जैसे कि कुछ बहुत सारे मामले थे जैसे कि पिपरा बाजार में जो पिपरा पुल है उसको बनाने की मांग काफी वर्षों से चल रही थी,
ये लल्लू जी वहाँ दो बार विधायक रहे, इसके बावजूद भी वो पुल नहीं बना, जिससे उस ग्रामीण क्षेत्र में उसको लेके रोष है। ओके संतोष जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हेमंत जी भी जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे, संत कबीर नगर का जिक्र आप कर रहे थे और कह रहे थे कि खलीलाबाद में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, खलीलाबाद के साथ साथ और किन सीटों पर आप त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं, और क्या वाकई में हम पूर्वांचल के नजरिए से क्या बीएसपी को बिल्कुल दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास इस बात की इजाजत नहीं देता कि बीएसपी लड़ाई में है, कि कहीं कहीं पे वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जहां बीएसपी लड़ रही है वहां पर त्रिकोणात्मक लड़ाई जरूर नजर आ रही है। लेकिन अगर पूर्वांचल की 10 जिलों की सीटों पर अगर बात करें हम, तो कुल मिलाकर के ये सीधा कह सकते हैं कि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही टक्कर है। कहीं कहीं पर जो है बीजेपी टक्कर दे रही है इक्का दुक्का सीटों पर, लेकिन अगर कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो सीधी लड़ाई पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की दिख रही है। तो अभी और कांग्रेस अपनी गोई हुई जमीन तलाश रही है। एक जो है अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी सीट की अगर बात करें तो एक सीट लड़ाई में नजर आ रही है। बाकी उसके कांग्रेस आज जो छठे चरण का रण है उसमें किसी भी सीट पर कांग्रेस कहीं दमदारी से लड़ती नहीं है, नजर आ रही है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो पूर्वांचल में 10 जिलों में खाली खलीलाबाद सीट पर जो है लड़ाई लड़ती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद दसों जिलों में कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कोई लड़ाई जो है छठे चरण के रण में नजर नहीं आ रही है। एक बात मैं हेमंत जी आपसे जानना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, खलीलाबाद में ही इतना जोर क्यों लगा रही है आम आदमी पार्टी? कहीं और देखें तो कहीं और तो कोशिश प्रयास जारी ही नहीं है, लेकिन खलीलाबाद में पूरा जोर आम आदमी पार्टी ने लगा दिया, वजह क्या है? जी, उसकी एक खास वजह है पूर्व सांसद स्वर्गीय भालचंद्र यादव, एक उनका एक गप था संत कबीर नगर की राजनीति में, और जिस तरफ उनका इशारा होता था शायद जीत उसी की होती थी, एक कद माना जाता था और एक पूर्वांचल के बड़े नेताओं में भालचंद्र यादव का नाम लिया जाता रहा है, और सुबोध चंद्र यादव उन्हीं के लड़के हैं, और वो बसपा में थे और बसपा से उनको आश्वासन मिला था कि यहाँ से खलीलाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और बसपा ने जब उनका टिकट काट दिया तो वो जो है आफ्ताब आलम को उनकी जगह मैदान में उतार दिया, तो उन्होंने दूसरी पार्टियों का रुख कर लिया टिकट की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी में भी दरबार करते रहे टिकट के चक्कर में, और जो है कांग्रेस में भी उन्होंने सुना जाता है कि कांग्रेस में भी उन्होंने टिकट की गुहार लगाई थी, और जब समाजवादी पार्टी में भी टिकट के लिए वो लाइन में खड़े थे, लेकिन जब समाज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट अपना दूसरे को अंकुरा तिवारी को घोषित कर दिया, उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में जो है प्रयास में थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब जो है टिकट दिग्विजयनाथ चौबे को दे दिया तो उसके बाद उनके पास एक ही रास्ता था कि किसी दल से चुनाव मैदान में आएंगे। तो एक सहानुभूति है, श्रद्धांजलि लोग मांग रहे हैं स्वर्गीय भालचंद्र यादव की। तो कुल मिला जुला के ये जो जनाधार है वो स्वर्गीय भालचंद्र यादव का जनाधार था, तो स्वर्गीय भालचंद्र का एक बड़ा कद था, तो शायद इसी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी का जवाब सामा, तो आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया कि स्वर्गीय भालचंद्र यादव के नाम को उनके कद को कैद कराया जाए, आम आदमी पार्टी की तरफ लाया जाए। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कहा जाता है कि कोई सगा नहीं होता है, बिल्कुल ये वक्त का फिजूल होता है, वक्त जो इजाजत देता है और उसी को लेकर जो है राजनीति की दिशा और दशा तय होती है प्रत्याशियों की। तो स्वर्गीय भालचंद्र जी का जो कद था उसको जो है ये भुनाने के मतलब से आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर अपना, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें आम आदमी पार्टी का, तो खलीलाबाद सीट पर उन्होंने झोंका। आपने देखा संजय सिंह भी यहाँ आए और सुधीर गुप्ता जी भी यहाँ जमे हुए थे, दिल्ली सरकार के जो है बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े विधायक खलीलाबाद विधानसभा पर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में नजर आए। तो कुल मिला जुला के अपनी जमीन तैयार करने के मकसद से और आम आदमी पार्टी ने सोचा कि यहीं से हमको एक जो एक मौका मिला है उसको कैद करा ले, और आम आदमी पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में तलाशनी जो शुरू की है आम आदमी ने, तो यहीं से उनको गुंजाइश नजर आई, तो यहीं से वो जो है चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह शायद यही वजह है कि उन्होंने सारा जोर फोकस जो है
खलीराबाद विधानसभा सीट पे आम आदमी। अच्छा हेमंत जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, पूरा पूर्वांचल आप देख रहे हैं, लगातार कवर भी कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, पूर्वांचल में क्या स्थिति दिखाई दे रही है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो पावर सेंटर जो पिछले 5 साल से बना हुआ था सूबे की सियासत का, गोरखपुर, मैं गोरखपुर मंडल का जिक्र करूं, वहां क्या स्थिति आप देख रहे हैं, और क्या वाकई में जो 2017 का चुनाव था ठीक उसी तर्ज पर चुनाव दिखाई दे रहा है, या फिर सरयू में पानी बहुत बह गया है? जी तिलक जी, आपको बता दें कि गोरखपुर की जो सदर सीट है, सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतेंगे। लेकिन वही आसपास की जो सीटें हैं, जैसे सहजनवा हो गई और आपकी खजरी विधानसभा हो गई, या फिर आपके चौरी चौरा विधानसभा है, पिपराइज की तरफ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ का कुछ वर्चस्व दिखाई देता है, लेकिन चौरी चौरा में सहजनवा विधानसभा और खजरी विधानसभा में वर्चस्व समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि जो गोरखपुर में सीटें हैं वो नेक टू नेक की लड़ाई चल रही है, और गोरखपुर में समाजवादी पार्टी और ये भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है और कांटे की टक्कर हर सीट पर जो है दिखाई दे रही है। जी तिलक नहीं हेमंत जी, अगर मैं सिर्फ गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में 9 सीटें जो है, और पिछले इतिहास बताता है कि 9 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीट बीएसपी के पास गई थी, लेकिन उससे पहले के इतिहास को अगर हम देखें 2012 के या 2007 के, वहां पर बीएसपी का प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिला। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीएसपी इस बार पिक्चर से बाहर दिखाई दे रही है? क्या बीएसपी को खासतौर पर गोरखपुर का मैं जिक्र करूं तो वहां पर नजरअंदाज करना ठीक होगा? एक बड़ी बात आपके सवाल की ये आती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी की तरफ से मायावती ने कौन सी रैली की और किस विधानसभा में उन्होंने ताकत अपनी झोंकी। तो सबसे बड़ी बात है जब प्रदेश की जो बीएसपी की मुखिया जब ग्राउंड जीरो पर नहीं उतरी और प्रत्याशियों के समर्थन में कोई जना रैली उनकी देखने को नहीं मिल रही है, जैसे हर विधानसभा में उनकी रैली हुआ करती थी, एक व्यक्ति जरूर निकला कि सतीश मिश्रा जी जो है मैदान में वो निकले, ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने जो है अयोध्या से अपना परिक्रमा शुरू की, लेकिन उसके बाद बीएसपी का प्रचार अभियान बिल्कुल ध्वस्त रहा। दूसरी तरफ अगर निगाह डाले तो तिरकी देखने में ये आया है कि बसपा ने पार्टियों प्रत्याशियों का चयन नहीं किया, धन बलियों को जो है उन्होंने टिकट देकर मैदान में उतारा। सबसे बड़ी कमी ये देखने को मिली कि जनाधार जिसका था, जैसे यहाँ पे आफ्ताब आलम गुड्डू खलीराबाद विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी है और वो पिपराइज से भी के रहने वाले हैं, गोरखपुर के पिपराइज में चुनाव लड़ चुके हैं बहुजन पार्टी से और वहां भी टिकट देखना पड़ा। उसके बाद डुमरियागंज से वो चुनाव लड़े, वहां भी हारे। उसके बाद आप नया प्रयोग संत कबीर नगर की खलीराबाद सीट पे उन्होंने दाव लगाया और वो यहाँ आए और उनका इससे चुनाव से पहले का कभी आना जाना नहीं था, कोई जनाधार नहीं था। तो ये कह सकते हैं कि सीधा धन बलियों को जो है बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर उतारा। तो शायद यही बात है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं जो है लड़ाई में इस तरह की नहीं दिखती आ रही है, कहीं जो मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर, जैसे खलीलाबाद सीट हो गई, तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता है, वो किसी भी प्रत्याशी को जिताने हराने का मादा रखते हैं। तो शायद यही वजह है कि मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर बसपा ने जीत का ख्वाब जरूर देखा, लेकिन उसके बाद ओवैसी भी मैदान में उतरे, डॉक्टर अयूब चुनाव लड़ रहे हैं खलीलाबाद सीट पर और ओवैसी ने आके जो है मुस्लिमों की जो है समुदाय की ध्रुवीकरण के लिए, उनके मतों के ध्रुवीकरण के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन अब मुस्लिम मतदाता कहा जाएगा, उसका रुझान क्या होगा, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, यही वजह है कि धनबलियों को जो टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी ने मैदान में उतारा, उसका जो है काव्याजा था पार्टी को अच्छाई और बुराई दोनों पार्टी को ही होगी। जी तिलक जी, बिल्कुल हेमंत जी की भी जो इस वक्त शक्ति दिखाई दे रही है खास तौर पर, क्योंकि नेताओं का गला भी बैठ गया, तो हेमंत जी भी लगातार चुनाव में डटे हुए हैं, तो आज उनका भी गला थोड़ा बैठा बैठा दिखाई दे रहा है। लेकिन संतोष, मैं आपके पास आना चाहूँगा, तब तक हेमंत जी थोड़ा राहत की सांस ले लें। ये जो कुशीनगर वाला मसला है,
क्योंकि हेमंत जी बता रहे थे कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी का प्रभाव था, लेकिन इस बार क्योंकि मायावती उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दी, जिसका नुकसान बीएसपी को होगा। मगर मैं कुशीनगर की बात करूं तो कुशीनगर में कहां कहां पर बीएसपी का प्रभाव है और कहां कहां त्रिकोणीय मुकाबले आप देख रहे हैं? यहां कुशीनगर के सातों विधानसभा में बात करें अगर, तो कुशीनगर के सातों विधानसभा बीएसपी का कहीं लड़ाई में नहीं है जी। जबकि 2017 के चुनाव में खट्टा विधानसभा की बात करें तो खट्टा विधानसभा में दूसरे नंबर पे थे विजय कुशवाहा, जो बसपा से लड़े थे, और इसके बाद इन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। इस बार सपा से टिकट न मिलने पर वो निर्दल लड़ रहे हैं वहाँ जी, निर्दल लड़ रहे हैं, और वहाँ पर जो लड़ाई है निर्दल और भाजपा की है अगर विधानसभा में। अगर फाइट की बात करें तो कहाँ कहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं आप? कुशीनगर जनपद में कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। जहां की बात करें तो यहां मुकाबला भाजपा और सपा या भाजपा और निर्दल की है, यानी फाइट सीधे तौर पर बीजेपी और सपा की दिखाई दे रही है। बीजेपी और सपा, कहीं निर्दलीय भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं? खट्टा विधानसभा में निर्दलीय हावी दिख रहे हैं, जो विजय कुशवाहा है, जो कि 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पे थे, बसपा के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। यानी कुशीनगर का अगर मैं आकलन करूं तो पिछले बार का इतिहास क्या गवाही देता है, और क्या वाकई में इस बार जिस तरह की फाइट का जिक्र किया जा रहा है कि तमाम जिलों में इस बार लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस सपा की दिखाई दे रही है, कुशीनगर की क्या स्थिति है? कुशीनगर की, कुशीनगर में सपा बनाम भाजपा का है, सीट वाइज, सीट वाइज हम आपसे जानना चाहेंगे। कुशीनगर विधानसभा की बात करें तो वहां पर बंटी राव जी लड़ रहे हैं, जिनका अपना एक प्रभाव है वो वहां पर, और भाजपा से पीएन पाठक जी लड़ रहे हैं, जो पीएन पाठक यहां रहे नहीं है, बाहर के नेता हैं, और बंटी राव हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वहां जो लड़ाई है सपा बनाम भाजपा की है। ठीक, संतोष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ हेमंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हेमंत, अगर पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज कई धुरंधरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। मैं बात माता प्रसाद पांडे की करूं तो आज उनके भाग्य का फैसला भी जनता कर रही है। दो दो बार से स्पीकर रहे, स्वास्थ्य मंत्री बने, 6 बार विधायक रहे, इस बार की स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हारे, और इस बार जो है स्थिति यह है कि बीएसपी से जो है हरिशंकर जी को उतारा गया, जो कि खुद बीजेपी के बागी हैं, और कांग्रेस ने अरशद कुरैशी को, जो कि बीएसपी के बागी हैं, यानी कि बागियों को भी अहमियत दी गई है। वहां क्या स्थिति दिखाई दे रही है माता प्रसाद पांडे वाली सीट पर? जो है माता प्रसाद पांडे सेफ कॉर्नर लेकर चल रहे हैं, और वो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बैठा भी पार करने की जुगत में लगे हुए हैं और शायद कामयाब होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वही अगर धुरंधरों की बात करें तो जयप्रताप सिंह जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, और उसके बाद भी है, और पूर्व में सपा के जो मंत्री थे शंखलाल माझी जी फरेदा में जाके किस्मत अजमा रहे, जो अकबरपुर से चुनाव लड़ा करते थे जी। और उसके बाद हरशंकर तिवारी के परिवार की भी सास गांव पे लगी हुई है, चिल्लू पास विधानसभा से हरशंकर तिवारी लड़ रहे हैं, और वो भी बसपा को ये छेड़ा दिखा के जो है समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थामा है। तो कुल मिला जुलाकर इन्होंने राजनीतिक परिवेश अपना बदला है, पार्टियां बदली है। अब देखने वाली बड़ी बड़ी बात होगी कि जो इज्जत गांव पे लगी हुई है, वही फतेह बहादुर सिंह मंत्री जी हैं, वो भी अपनी उनकी भी साग गांव पे लगी है, और वहां काजल निषाद ने जाके समीकरण को बिगाड़ जरूर दिया है, तो जो सुनने में आ रहा है। तो ऐसी है धुरंधरों की कोई, ये चुनाव में कोई ऐसा जो है ये नहीं है कि वो चुनाव जीत ही रहे। अभी जो एनालिसिस किया जाए, जो चर्चाएं आ रही हैं, तो नेक टू नेक की लड़ाई है, और ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अभी जल्दबाजी होगी 10 तारीख से पहले कि कौन सीट निकालना। हालांकि माता प्रसाद जो इटवा से है वो सेफ कॉर्नर से निकलते नजर आ रहे हैं। अब बहरहाल 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा ये तो अलग की बात है। ये तिलंगी ये अगर मैं जिक्र करूं गोरखपुर और बस्ती मंडल का, तो यहाँ पर 3 जिलों की 4 विधानसभा सीटें हैं, और इस बार कुछ निषाद पार्टी और राजभर पार्टी
कुछ अलग अलग समीकरण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब राजभर जी फील्डिंग कर रहे हैं, छड़ी उठाई है उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए, उनकी साइकिल पर सवार होते हुए बकायदा उन्होंने छड़ी आगे लगा दी। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि निषाद पार्टी और राजभर पार्टी का क्या असर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है इस बार। 2017 में तो बेहद शानदार प्रभाव था, भले ही कुछ ही सीटों पर वो जीत कर आए हों, लेकिन हर विधानसभा सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक है। जी तिलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा, राजभर और डॉक्टर संजय निषाद दोनों की टांग दांव पे लगी है। अगर जिस तरह से दोनों लोगों ने हमेशा दल बदलने का काम किया और उन्होंने नारा दिया आरक्षण का, आरक्षण का नारा देने वाले डॉक्टर संजय निषाद निषादों के यहाँ पे नेता माने जाते हैं, और जबकि उन्होंने अमित शाह के साथ लखनऊ में रैली की थी, निषाद समुदाय को ले गए थे कि आज आरक्षण की घोषणा लखनऊ में होगी, और तब से जब वापस लेके आए तो उसके बाद वहाँ कोई घोषणा नहीं की गई, तो उनको जो है कुछ खामियाजा भुगतना पड़ा और निषाद समाज जो है थोड़ा नाराज दिखाई दिया। उसके बाद जब टिकट बंटवारे की बात हुई, डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी से अपने कोटे के टिकट को बेचना शुरू किया। जो चर्चाएं हैं, जो समाज में निषाद समाज के लोगों के बीच में जो चर्चा का बाजार गर्म है कि उन्होंने निषाद समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया, उन्होंने आरक्षण की बात तो उन्होंने की निषाद समाज को लेके, लेकिन जब टिकट बांटने की बात आई तो उन्होंने दूसरे को समन समाज को जो है टिकट भी बेचा, और वो बेचने की बात आई उससे भी निषाद समाज में जो है कुछ उनको जो है उनकी नाराजगी देखने को मिली है, और निषाद समाज जो है कुछ छिटपुट जो है कई दलों में बटे हैं। उसके बाद राजभर समाज की बात अगर हम करें तो राजभर समाज की तरफ से भी जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया गया है, ना कि राजभर जी ओम प्रकाश राजभर ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया है, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के जो मजबूत कैंडिडेट थे उनको टिकट देने का काम किया है। तो दोनों पार्टियों की कमोबेश स्थितियां यही है, और शायद यही वजह है कि उनके भी वोटरों में तेज भारी है अन्य पार्टियों ने। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनके समाज के लोग इधर जाते हैं 10 तारीख को क्या फैसला देते हैं। छठे और सातवें चरण का जो मतदान है वो निषाद बाहुल क्षेत्र यहाँ का माना जाता है, और छठे चरण में जबकि निषाद समाज ने मतदान भी किया है, उनका रिजल्ट किधर जाएगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। जी तिलक हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बलरामपुर से योगेंद्र भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। बलरामपुर की स्थिति क्या है और किस तरह से वहां पर जो है वोट चल रहा है, वोटिंग प्रतिशत लगभग 42% के आसपास 3 बजे का बताया जा रहा है। आप योगेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी योगेंद्र जी, क्या स्थिति है बलरामपुर की, किसका बल दिखाई दे रहा है बलरामपुर में? देखिए, 4 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 3 पर तो त्रिकोणीय लड़ाई होती दिखाई दे रही है, वहीं 1 पर जो लड़ाई है वो स्पष्ट होती दिखाई दे रही है, जो कि बलरामपुर सदर विधानसभा सीट है। यहाँ पर जो है 2 लोगों के बीच में लड़ाई है, पलटू राम जो कि राज्य मंत्री है निवर्तमान योगी सरकार में उनके बीच, और एक पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के जगराम पासवान, उनके बीच ये लड़ाई होती दिखाई दे रही है। बाकी जो 3 सीटें हैं उतरौला, गैसड़ी और तुलसीपुर, यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई होती दिखाई दे रही है। जी, त्रिकोणीय लड़ाई किस किस के बीच में दिखाई दे रही है और वहां के समीकरण किस ओर संकेत दे रहे हैं? और लगभग अगर मैं गलत नहीं हूं तो बलरामपुर में 42% मतदान हो चुका है, उसके बारे में मैं आपके पूछूंगा, लेकिन पहले मेरे को त्रिकोणीय कहां का मुकाबले है ये बताइए दर्शकों को। जी, अभी अगर बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील की क्षेत्र में आने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक गैसड़ी आती है और एक जो है तुलसीपुर आता है, उस इन दोनों विधानसभा सीटों में लड़ाई त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पर बसपा का जो उम्मीदवार है अलाउद्दीन खान वो भी लड़ाई में है, जो पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर एसपी यादव, समाजवादी पार्टी में ने उनके ऊपर एक बार फिर से आस्था दिखाई है, वो भी लड़ाई में है, और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक जो है शैलेश प्रताप सिंह सैलू वो भी जो है लड़ाई में है। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई है गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र में। आप तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में जेबा रिजवान जो कि रिजवान जहीर जो कि पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, उनकी बेटी हैं, वो एक हत्याकांड के मामले में जो है जेल में निरुद्ध हैं, लेकिन वो निर्दल प्रत्याशी होते हुए सपा से बगावत करते हुए जो है चुनावी मैदान में है, वो ऊपर चल रही है। कैलाश नाथ शुक्ला जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं
वो जो है दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, और तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मशरूद खान वो चल रहे हैं। इन तीनों के बीच में यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। और अगर उतरौला विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो लड़ाई होती दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग विधायक है राम प्रताप वर्मा और वो शशिकांत वर्मा, इनके बीच कांग्रेस से उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और सपा जनवादी पार्टी के गठबंधन के तहत लड़ाई लड़ रहे, सपा के सिंबल पर लड़ाई लड़ रहे हसीब खान है, वो लड़ाई में लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जी अगर बलरामपुर के परिपेक्ष में देखें तो 42% मतदान अब तक हो चुका है 3 बजे तक का आंकड़ा है, यानी कि जहां जहां मैंने देखा सबसे कम मतदान जो है वो बलरामपुर में हुआ। अब 10 जिलों में मैं बात कर रहा हूं 3 बजे तक के आंकड़ों की, क्योंकि अंबेडकर नगर में लगभग 53%, सिद्धार्थ नगर में लगभग 46%, संत कबीर नगर में लगभग 45%, गोरखपुर में लगभग 50%, देवरिया में लगभग 45%, बलरामपुर में सबसे कम है 42% के आसपास। ये वजह क्या दिखाई दे रही है और क्या जो रुझान है लोगों का वो क्या दिखाई दे रहा है? जी मैं अगर आपको बताऊं तो बलरामपुर में जो कम मतदान होने की बात है वो इससे ही साफ हो जाती है क्योंकि बलरामपुर एक अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जो है तमाम तरह के लोग जो है, तमाम वर्ग से आने वाले लोग जो है वो काम के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहा करते हैं। मसलन मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, या जो ऐसे मेट्रो सिटीज है इसके साथ ही विदेशों में यहाँ पे रहने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो वो अपने काम से अपने परिवार को भी साथ ले जाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जब आबादी ही कम रहती है यहाँ पे तो वोटिंग प्रतिशत घटना लाजमी है। इसके साथ ही जो शहरी इलाके हैं वो बलरामपुर में कम है। बलरामपुर में केवल 4 नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र हैं जिनकी आबादी कुल मिला के लगभग 3 लाख होगी। तो जो है शहरी आबादी होने की वजह भी एक, कम होने की वजह भी एक आप जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो अभी खेती किसानी का मौसम चल रहा है, गन्ना बेल्ट है बलरामपुर, तो गन्ने की बुआई चल रही है, सरसों की कटाई चल रही है, मसूर की कटाई चल रही है, तो किसान जो है वो वोट पोलिंग बूथों पर जाने के बजाय अपने खेतों में जाना ज्यादा पसंद कर रहा है। और जहां तक बात आप रुझान की कर रहे हैं तो जनता में जितना उत्साह दिखना चाहिए, जितना सामान्य वर्ग के मतदाताओं में उत्साह दिखना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का जो यहाँ पर काम रहा है, इस जिले को बने 26-27 साल हो गए और आप इसे यूं समझ सकते हैं कि एक वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के अलावा यहाँ पर सरकारी महाविद्यालय तक नहीं स्टार्ट करवाया जा सका। यहाँ पर अच्छे अस्पतालों का अभाव है, अच्छे स्कूलों का अभाव है, अच्छे इंटर कॉलेजेस का अभाव है। तो जनता कहीं ना कहीं कमोवेश ये सोचती होगी मेरे ख्याल से कि जो है अगर वोट करेंगे भी तो क्या फायदा होगा, क्योंकि सरकार कि जब नीतियां जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं तो जनता कहीं ना कहीं आजिज हो जाती है और वो शांत बैठ जाती है। जी लेकिन बलरामपुर में जो बात आप कह रहे हैं, स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कौन कौन से हावी दिखाई दिए आपको इस चुनाव के दरमियान बलरामपुर का मैं जिक्र करूं? देखिए स्थानीय मुद्दे अगर देखे जाए तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो हमेशा से हावी रहती हैं। प्लस इस बार जो 18 साल के उम्र से नए वोटर जो जुड़े उनकी संख्या तकरीबन 80,000 से 85,000 है, तो आप यूं समझें इसे कि जो नए वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमें उन्हें रोजगार मिले, वो जो है अपने काम पे जाएं, अपने परिवार के लिए पैसा कमाएं, उनका भरण पोषण कर सके। तो रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार की विफलता, इसके साथ ही जो स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा रहा है वो छुट्टा जानवरों का रहा है, क्योंकि किसान अपने खेतों में बाड़े लगाने में उसने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मैं जिले में अगर आंकड़ा बताऊं तो तकरीबन 2 लाख गन्ना किसान है और 2.5 लाख ऐसे किसान है जो सीमांत किसान है जो गेहूं, धान, दालों की, दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, नकदी फसलों की खेती करते हैं। तो ये आप समझे तरह से कि जो पूरा सिनारियो है वो सरकार कहीं ना कहीं अपने वायदों से घिरती नजर आ रही है, वायदों को ना पूरा कर पाने की वजह से घिरती नजर आ रही है। और जो रुझान है वो इसी तरफ है कि जनता कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से प्रभावित ना होकर विपक्षी दलों की नीतियों से प्रभावित होकर इस वक्त मतदान कर रही है। मैं अगर मसलन आपको बलरामपुर सदर विधानसभा सीट की बात करूं तो अभी जो है वहां पर जगराम का पलटू राम से भारी होता दिखाई दे रहा है,
क्योंकि एक नेता हैं जो पूर्व सांसद हैं और जो मंत्री रह चुके हैं सपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, वो जो है अभी फिर से सपा में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने खुद उन्हें शामिल कराया और ब्राह्मण मतदाताओं में इनका खासा जो है प्रभाव देखा जाता है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के मतदाताओं में भी इनका प्रभाव है, बड़े आदमी रहे हैं, जमींदार रहे हैं, अभी भी हजारों को जो है लाभान्वित करते हैं ये अपने कारोबार के जरिए। तो इस वजह से जो पूरा पड़ रहा है वो भारी होता दिखाई दे रहा समाजवादी पार्टी का जिले में। ठीक, हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ नगर से भी जुड़ गए हैं। यादव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ नगर के हालात और तस्वीर क्या है, क्योंकि लगभग 46% के आसपास मतदान हुआ है। ग्राउंड जीरो पर कौन कौन दिखाई दे रहा है मजबूत, किनके बीच में मुकाबला है और कितनी विधानसभा सीटें सिद्धार्थ नगर जिले में आती है? जी, मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ नगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जो कोरतगढ़ है, नोगढ़ सदर है, बाती है, इटवा और डुमरियागंज। 5 विधानसभा सीटें हैं जिन पर डुमरियागंज में मौजूदा विधायक बीजेपी के थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, इनका सीधा टक्कर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सैयदा खातून से है, जो 2 बार दूसरे नंबर पर रनर पे थी, जिसको सपा ने टिकट दिया, वो उनसे टक्कर ले रही। और बात करूं इटवा विधानसभा की, तो वहां से मौजूदा विधायक और राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के सामने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी है, जिनका सीधा सीधा इनसे टक्कर है और रेस में आगे भी नजर आए। फिर हम आगे निकलते हैं बासी विधानसभा की, जहां मौजूदा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री रहे जय प्रताप सिंह, उनके सामने मौन दुबे हैं, जो उनसे लड़ाई में तो है लेकिन आगे दिखाई दे रहे हैं मंत्री जी। और नगर सदर की बात की जाए तो वहां पे भी विजय पासवान जो है आगे दिखाई दे रहे हैं। और सोरेगढ़ की बात की जाए तो वहां जो है त्रिकोणीय चौकोणीय लड़ाई है, किसी को कहा नहीं जा सकता डायरेक्ट कौन जीतेगा। जी, लड़ाई कौन जीतेगा ये कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन यादव जी, एक बात बताइए, माता प्रसाद पांडे का आपने जिक्र किया, वहाँ किस तरह की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि 6 बार से विधायक रहे, 2 बार स्पीकर रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन BSP का समीकरण वहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पर खुद BJP ने बागी उम्मीदवार को टिकट दे दिया, BJP के बागी को BSP ने टिकट दे दिया और कांग्रेस ने भी BSP के बागी को टिकट दे दिया, वहां क्या तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जी, वहां का फैक्टर यही है कि ये 68 कुर्सी जो है माता प्रसाद पांडे को जो है लीड कर रहे हैं कि हम इनसे आगे निकल जाएंगे, और जो BSP के कैंडिडेट है वो सोच रहे हैं कि मैं मंत्री तो कर जाऊंगा, लेकिन वो चीजें नहीं है, सीधा सीधा वहां का तस्वीर साफ है, वहां की लड़ाई जो साइकिल और भाजपा की ही है, जिसमें माता प्रसाद पांडे जो है आगे दिखाई दे। यानी माता प्रसाद पांडे जो है एक बार फिर से हुंकार भरते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी, और बलरामपुर से कुछ अपडेट हो तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। बलरामपुर से योगेंद्र, कोई अपडेट तो नहीं आपके पास? अभी तो सर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा और शाम का समय होगा, मुझे लगता है कि मतदान प्रतिशत में कहीं ना कहीं इजाफा होगा और ये 55-60 के करीब करीब हो सकता है, क्योंकि अभी लोग अपने घरों से वापस अपने काम से अपने घरों तक आएंगे, कुछ चाय पानी करेंगे और फिर जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। 6 बजे तक का समय है और 6 बजे तक जो भी मतदान केंद्र के अंदर घुस जाएगा वो मतदान करके ही निकलेगा। तो मैं जाती तौर पर एक अपील भी करना चाहूंगा कि अगर आप अपने काम से लौट चुके हैं तो आप अपने मतदान केंद्र तक पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतंत्र में भागीदारी करिए, अपनी सुनिश्चित करिए, जिससे जो है ये लोकतंत्र और मजबूत हो सके। बलरामपुर से योगेंद्र, बहुत शानदार योगेंद्र, बहुत खूब, ग्राउंड जीरो से लगातार पल पल की अपडेट योगेंद्र भी पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, किन किन के बीच में मुकाबला हो रहा है। योगेंद्र ने बहुत शानदार तरीके से समझाया कि आखिरकार किस तरह से बलरामपुर में इस वक्त वोटिंग चल रही है, वोट प्रतिशत कम क्यों है, किन किन के बीच में मुकाबला है और किस तरह की फाइट देखी जा रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो तमाम सहयोगी जो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हमारी ये कवरेज जारी है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
चाय मिला दो यार। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है